और 10 रुपया की जगह 25 रुपया ले रहे हो और ना अनुदेशक को दे रहे हो ना शिक्षा मित्र को दे रहे हो, जा कहा रहा है पैसा? ये सवाल ये है, ये काला धन, ये गोरा धन, ये भूरा धन, ये पीला धन कहाँ जा रहा है? शिव कुमार जी, सब पैसा इन्हीं के पास आएगा, सब जनता के पास लौट के आएगा, पैसा कहीं नहीं जा रहा है। आप ये देखिए, समाजवादी पार्टी है ये कुछ भी कह सकती है। ये वो पार्टी है जो पार्टी सिर्फ परिवार के विकास की बात करती है, प्रदेश के विकास की बात कभी नहीं की, ठीक है ना। आज अखिलेश जी को देखिए कि नेताजी के बाद डिंपल जी को चुनाव लड़ाया, पार्लियामेंट भेज दिया, ठीक है। और मेरा मानना यह है कि मुलायम सिंह जी का कहना था कि हर यादव 10 करोड़ का होना चाहिए उत्तर प्रदेश में, तो कम से कम हमारी सरकार में ये तो नहीं है। हमारी सरकार में ये है, सर्व धर्म की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं, सबके विकास की बात करते हैं और कानून व्यवस्था की बात करते हैं। आप देख लीजिए, आप देखिए 37 साल बाद अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने रिकॉर्ड तोड़ा है तो बाबा ने रिकॉर्ड तोड़ा है। 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार रिपीट हुई है, तो कहीं ना कहीं आपकी नीति और नियत दोनों स्पष्ट है, उसकी वजह से सब कुछ हुआ है ये। और रही बात अनुदेशकों की, आप देख रहे हैं कि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, सरकार में लगे लोग भी उतनी मेहनत कर रहे हैं। चूंकि मामला बहुत पुराना है, चीजें बहुत गहरी हैं, उनको धीरे धीरे ही सही किया जा सकता है। आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, दादा भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक एक साल से लगे पड़े हैं, चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें अब अंतिम चरण पे हैं और इनका बहुत जल्दी से अच्छा डिसीजन भी हमारे सामने होगा। जी अभिषेक जी कुछ कमेंट कर रहे थे। जी अभिषेक जी, जी देखिए शिव कुमार जी, मनोज भाई ने बड़ी अच्छी बातें बोली, लेकिन मैं इनको याद दिला दूं कि जैसा कि बड़ी बड़ी बखान कर रहे हैं, तो कोई भी सरकारी तंत्र का फैसला ऐसा नहीं है कि कोई भी मुख्यमंत्री अगर चाहे तो वो पहला टर्म बीत जाने के बाद और दूसरा टर्म चल रहा हो तब तक उसकी परेशानियों का समाधान ना हो जाए। ये दूसरा टर्म मतलब 6वां साल हो गया है एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो, और उसमें मैं कहता हूं कि आप अगर 1000 लोग हैं, 1000 में मैं कह रहा हूं आप 900 लोगों को मत दीजिए, लेकिन 100 लोगों को अगर आप दिए होते तो शायद ये होता कि 100 लोगों की बहाली हो चुकी, दूसरे लोगों को राहत मिलता कि यार हम 900 भी हो जाएंगे, आज नहीं तो कल होंगे, नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, अभी इन्होंने काले धन और बड़ी बड़ी चीजें बताई, तो उसमें मैं याद दिला दूं कि उनको अभी मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था कि जो भी लोग जो है जिन्होंने अवैध निर्माण कर रखे हैं, अवैध कब्जे कर रखे हैं, तो मैं याद दिला दूं कि अयोध्या के मेयर के ऊपर एक नहीं कितने सारे घोटालों के आरोप लगे, क्या उनको आज तक हटाया गया या उनके घर के ऊपर बुलडोजर चला? दूसरी बात, तीसरी बात कि अभी आपको याद दिला दूं एक चीज और कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जहां इस समय हम बैठे हुए हैं, वहां पे अवैध निर्माण को गिराने के लिए विधायक के सामने आ गए थे, मजबूरी बस एलडीए के दस्ते को वापस जाना पड़ा था, तो ये कौन सी बात शोभा देती है? तीसरी चीज, बागपत की घटना आपको याद दिला दूं कि 13 वर्षीय ध्रुव जिसके माँ और पिताजी खत्म हो गए थे कोविड काल में, उसकी 2 बीघा जमीन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी उनके कार्यकर्ताओं ने और तो और शासन प्रशासन ने भी उनकी मदद की, 2 बीघा जमीन पे अवैध निर्माण हुआ, कब्जा हुआ, आज तक उसको पूछने वाला कोई नहीं है, कई बार जाकर के वो SSP और CO के यहाँ पे जाकर के गुहार लगा चुका है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी चीज, देखिए सरकार चलाना क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है वो चला रही है, दूसरा टर्म है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं।